हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य एवं निरोगी जीवन जीने हेतु स्वच्छता एवं वृक्षारोपण करने के लिए महावीर यूथ क्लब दक्षिण नागपुर की ओर से रविवार सुबह 9:30 बजे हनुमान मंदिर घरकुल परिसर वेंकटेश नगर केडीके कॉलेज रोड नंदनवन नागपुर में शहर उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अर्चना अनिल गड़ेकर जैन की अध्यक्षता में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महावीर यूथ क्लब परिवार के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश सावलकर, राजू गोतमारे, पूर्व नागपुर के महामंत्री जोशी काका, पप्पू सातपुते, मंगेश साखरकर, डॉक्टर रविंद्र गुड़लवार, सुरेश ढोबले, डॉक्टर प्रदीप डवने, रमेश शाहू, गिरीश हनुमंते, गिरीश विटालकर, प्रदीप सवाने, प्रवीण कापसे आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन दक्षिण नागपुर के सचिव गौरव शाहकर ने किया तथा संचालन पूर्व नागपुर के अध्यक्ष प्रदीप तुपकर ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए वर्षा ठाकुर, आशा तलुकर, शशिकला वंगारे, संगीता उमाठे, मनीषा उमाठे, गोलाई, प्रमोद जोशी शर्मा आदि ने प्रयास किए। अमरावती और अकोला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 17.5 किलोमीटर टू लेन यानी 35 किलोमीटर वन लेन लंबी डामरी सड़क को 48 घंटे में पूर्ण कर लिया है। इस सड़क के निर्माण की गति को देखकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राजपथ इंट्राकॉन की टीम को विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के अमरावती और अकोला खंड के बीच 75 किलोमीटर अखंड डामरीकृत राजमार्ग बन रहा है। यह बताते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि काम की निगरानी के लिए एक तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्होंने निरीक्षण के उपरांत मुझे जानकारी दी है कि 17.5 किलोमीटर दो लेन पेव शोल्डर अर्थात 35 किलोमीटर एकल अखंड डामरीकरण मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व ठेकेदार की टीम ने 48 घंटे में पूर्ण कर दिखाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि वास्तविक कार्यस्थल पर है और सभी कार्य प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि मुझे क्वालिटी रिपोर्ट मिली है। मुझे उम्मीद है कि इस कार्य के रूप में एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनेगा जिससे सड़क निर्माण का पैमाना और अन्य मानदंडों को देखते हुए पूरे देश आनंदित और गौरवान्वित होगा। नागपुर पुलिस के ट्विटर हैंडल चलाने वाले व्यक्ति ने एक ऐसा पोस्ट किया है जो इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल हाल ही में शाहरुख खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म जवान का टीजर रिलीज किया था। अभिनेता ने अपने पहले कभी न देखे गए अवतार में अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एसआर के पट्टियों में लिपटे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी दुर्घटना के बाद सिर में चोट लगने के बाद किसी व्यक्ति की अवस्था होती है। जब भी कोई ऐसी नई बात सामने आती है तो सोशल मीडिया पर फनी मीम्स हमेशा सामने आते रहते हैं और नागपुर पुलिस भी इस मामले में शांत नहीं रहती है। नागपुर पुलिस के ट्विटर हैंडल ने टीजर के तौर पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें नेटिजन्स को चेतावनी दी गई है कि अगर वे हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उनकी हालत भी टीजर में शाहरुख के लुक की तरह हो जाएगी। नेटिजन्स ने भी पोस्ट की काफ़ी सराहना की और आनंद लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे हमेशा नागपुर पुलिस के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और खुद का एवं दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। माझी वसुंधरा अभियान के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित प्रकृति के 5 तत्वों पर आधारित प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए रविवार को नागपुर महानगर पालिका को पुरस्कृत किया गया। मुंबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात द्वारा मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी और उनकी टीम को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी रश्मि ठाकरे, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष आबा साहेब जराड, सदस्य सचिव अशोक शिंगारे, नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, कार्यकारी अभियंता डॉक्टर श्वेता बनर्जी, सहायक आयुक्त किरण बागड़े, संदीप लोखंडे आदि मान्यवर उपस्थित थे। माझी वसुंधरा अभियान के तहत नागपुर महानगर पालिका को भी भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश से संबंधित प्रकृति के 5 सिद्धांतों के आधार पर स्थानीय स्वशासन प्रतियोगिता में अमृत समूह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों में से एक के रूप में चुना गया। रविवार सुबह मुंबई के टाटा थिएटर NCPA में सभी विजेता टीमों को सम्मानित करने के लिए नरीमन पॉइंट पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। साल भर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से माझी वसुंधरा अभियान के तहत किए गए विविध पहलों के कारण नागपुर महानगर पालिका ने इस प्रतियोगिता में सभी प्रतिद्वंदी नगर पालिकाओं को मात दी। कांग्रेस ने नागपुर महानगर पालिका चुनाव को अब अपना लक्ष्य बनाया है। हमें मनपा में सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश करना है। इसके लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता अभी से जुट जाए।
आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। इस आशय के विचार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं साकोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक नाना पटोले ने व्यक्त किए। वे अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक सत्कार समारोह में बोल रहे थे। विधायक व शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने नाना पटोले के निवास स्थान पर जाकर उनका सत्कार कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पटोले ने विधायक विकास ठाकरे सहित सभी कार्यकर्ताओं से आगामी मनपा चुनाव के संबंध में चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण लोगों का भाजपा से मोहभंग होता जा रहा है। मनपा चुनाव में कांग्रेस को इसका पूरा फायदा मिल सकता है। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अब पूरी तरह कमर कसकर मैदान में आ जाना चाहिए। मनपा चुनाव में सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य सामने रखकर यदि अभी से प्रयास शुरू किए गए तो सफलता प्राप्त करना निश्चित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए माझी वसुंधरा अभियान के तहत नागपुर जिले और नागपुर महानगरीय क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के साथ साथ नागपुर के जिलाधिकारी आर विमला का भी रविवार को मुंबई में अभिनंदन किया गया। कलेक्टर आर विमला, उमरेड नगर परिषद प्रमुख मंगेश खवाले को विशेष प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल विदर्भ चैप्टर ने रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में पृथ्वी का स्कल्पचर स्थापित किया। इसका उद्देश्य विश्व पर्यावरण का संदेश देकर नागरिकों में पर्यावरण के प्रति व्यापक चेतना पैदा करना है। सिविल लाइन स्थित वॉकर स्ट्रीट पर पुलिस जिमखाना के सामने यह स्कल्पचर सोलर इंडस्ट्रीज और रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरपर्सन उद्योगपति सत्यनारायण नुवाल के हाथों लोकार्पित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता IGBC विदर्भ चैप्टर के अध्यक्ष अशोक मोखा ने की। निजी और सरकारी पशु चिकित्सकों को एक साथ लाकर जल्द ही नागपुर शहर में पालतू पशुओं की अप टू डेट देखभाल शुरू की जाएगी। यह बताते हुए पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय विकास, युवा कल्याण और खेल मंत्री सुनील केदार ने राज्य की उपराजधानी नागपुर में एक अत्याधुनिक पशु चिकित्सा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विदर्भ में पशुधन को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिले, मौजूदा पशु चिकित्सा महाविद्यालय की क्लिनिकों को अपग्रेड किया जाना चाहिए। उन्होंने निजी एवं सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की श्रम शक्ति का मिलन कर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी आवश्यक प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए। नागपुर में पशु चिकित्सा क्लिनिक परिसर में वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और पशु चिकित्सकों का एक विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया, जिसे मंत्री केदार संबोधित कर रहे थे। चर्चा सत्र में महाराष्ट्र एनिमल साइंस एंड फिशरीज यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर आशीष पातुरकर, निजी स्तर पर पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले शहर के सभी वैज्ञानिक, प्राध्यापक, पशु चिकित्सक और प्रख्यात चिकित्सक उपस्थित थे। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त शीतल कुमार मुकने ने पुणे में प्रस्तावित अस्पताल पर एक प्रस्तुति दी। केदार ने कहा कि सभी विशेषज्ञ समूहों को उपराजधानी नागपुर में मुंबई पुणे की तरह एक अत्याधुनिक पशु चिकित्सा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव देने का सुझाव दिया गया था। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3301 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,39,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 19 मामलों में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 18,000 रुपये का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 8 मामलों में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,87,000 रुपये का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नई दिल्ली स्थित स्मार्ट सिटी मिशन कार्यालय द्वारा 27 मई को परिपत्रक जारी कर स्मार्ट सिटी के रोके गए टेंडर प्रक्रिया की तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई, जिसके चलते पूर्व नागपुर के मौजा, भरतवाड़ा, पूनापुर, पारडी भागों में 72,23,00,000 रुपए विकास कार्य का रास्ता साफ हो गया है। विधायक कृष्णा खोपड़े ने बताया कि उपरोक्त भागों की बस्ती में रोड, मैदानों का सौंदर्यीकरण, फायर स्टेशन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर के टेंडर पहले मार्च के पहले निकालने के निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते वर्क ऑर्डर नहीं हो सका, टेंडर रद्द करने की स्थिति बन गई थी। तब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को निवेदन देकर अवधि बढ़ाने का निवेदन किया गया था।
अब अवधि बढ़ाने से विकास कार्य शुरू किए जा सकेंगे। इसमें उद्यान व मैदान सौंदर्यीकरण के लिए 6,47,00,000 रुपए, स्मार्ट पुलिस स्टेशन बूथ पर 10,10,00,000 रुपए, ई टॉयलेट पर 13,41,00,000 रुपए, फायर स्टेशन पर 17,70,00,000 रुपए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर 9,00,00,000 रुपए, सड़क निर्माण पर 15,00,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी सीईओ चिन्मय गोतमारे की अध्यक्षता में बैठक बुलाकर कार्यों की समीक्षा की गई। नागपुर शहर के सीमावर्ती इलाकों में तेजी से बस्तियां बढ़ रही है। वाड़ी इलाके में भी अनेक कॉलोनियां व बस्ती बस गई है। इन स्थानों में जलापूर्ति की जिम्मेदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की है। इस विभाग की घोर निष्क्रियता व कुंभकर्ण नींद के चलते नागरिकों को दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। नलों के पानी में नारू व अन्य प्रकार की इल्लियां निकल रही है। कई स्थानों पर तो मटमैला पानी आ रहा है। नागरिकों ने कई बार शिकायत की लेकिन विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इल्लियों वाले दूषित पानी से हजारों नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। पीलिया जैसी बीमारी होने का खतरा भी मंडरा रहा है। नागरिकों ने बताया कि ऑटोमेटिक एनर्जी डिपो रोड पर बसे लाइफस्टाइल टाउनशिप लेक व्यू अपार्टमेंट और यही से सटे अंबेडकर नगर में बीते कई दिनों से पानी के लिए गंदा पानी आ रहा है। उसमें नारू जैसे जंतु बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। ऐसा ही हाल रमाबाई चौक, पंचशील चौक और सम्राट चौक के आसपास के घरों की भी है। इस समस्या से नागरिक त्रस्त हो गए हैं। नागरिकों ने बताया कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बीते कुछ दिनों से रोज ही जिले में 5 या उससे अधिक कोरोना के नए संक्रमित मिल रहे हैं। 2-3 दिन पूर्व तो जिले में 9 पॉजिटिव पाए गए थे। रविवार को भी जिले में 5 संक्रमित मिले, जिनमें 2 शहर के और 3 जिले के ग्रामीण भागों से हैं। वही इतने ही यानी 5 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। स्वस्थ होने वाले 4 ग्रामीण व 1 सिटी के मरीज का समावेश है। रविवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार अब जिले में एक्टिव केस की संख्या 32 हो गई है, जिनमें 13 ग्रामीण भागों के, 18 शहर के और 1 जिले के बाहर का है। सभी का उपचार चल रहा है और वे होम क्वारंटाइन है। बदलते मौसम के साथ ही रोज ही नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। बारिश के सीजन में मरीजों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टरों ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की जरूरत भी बताई जा रही है। हालांकि बहुत ही कम गिने चुने लोग ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में फिलहाल किसी तरह की स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई है। मनपा चुनाव को लेकर भले ही अब तक कोई निश्चितता न हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद चुनाव आयोग की सक्रियता को देखते हुए इच्छुकों में आस बंध गई है। चुनाव आयोग की ओर से तो कुछ हद तक चुनाव कराने का खेल सजाया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से लिए जा रहे फैसलों से कई दिग्गजों के खेल बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में कांग्रेस में एक व्यक्ति का पद निर्णय लेने के बाद अचानक ही शहर और ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्षों ने इस्तीफे पेश कर दिए। हालांकि इनके पास दूसरा कोई पद नहीं था, किंतु कार्यकाल काफी पहले खत्म होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के कारण पार्टी में उनका पक्ष तो मजबूत हो गया, लेकिन उनके भरोसे मनपा चुनाव की टिकट की आस लगाए बैठे दिग्गज कार्यकर्ताओं पर खतरा मंडराने लगा है। विशेष रूप से इन समर्थक कार्यकर्ताओं में भूचाल मचा हुआ है। जानकारों के अनुसार शहर और ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से इस्तीफा देने के बाद अब नए अध्यक्ष के नामों की अटकलें जोरों पर हैं, जिनमें कई नेताओं का नाम लिया जा रहा है। स्टेशन फ्लाईओवर को लेकर भले ही अब तक केवल लीपापोती चलती रही हो, लेकिन अब वास्तविक रूप में इसके तोड़ने और 6-लेन सड़क बनाने की योजना साकार होती दिखाई दे रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फ्लाईओवर के नीचे बने दुकानों के लाइसेंस धारक दुकानदारों का मसला करीब करीब पूरी तरह से हल हो गया है। इसीलिए फ्लाईओवर तोड़ने के लिए अब 8 जून को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक होने जा रही है, जहां सभी तकनीकी पेंचों पर अंतिम निर्णय लेकर तोड़ने का मुहूर्त निकाला जाएगा। उल्लेखनीय है कि 160 कमरों में लाइसेंस धारक दुकानदारों को मनपा की ओर से अलग अलग विकल्प दिए गए थे, जिसके अनुसार कुछ लाइसेंस धारकों को ब्याज सहित अग्रिम राशि वापस देने तो कुछ दुकान के बदले दुकान देने का निर्णय हुआ था। इसमें अब 51 लाइसेंस धारकों को मेट्रो द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स में दुकानों का कब्जा देने की शुरुआत की जा रही है। सूत्रों के अनुसार 160 दुकानों में से 29 लाइसेंस धारकों ने दुकानों के बदले उनके द्वारा जमा की गई राशि 8% ब्याज सहित वापस देने की मांग की थी, जबकि 69 लोगों ने मेट्रो द्वारा बनाए जाने वाले मॉल में दुकान देने की पेशकश की थी। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन में विदर्भ में लगभग 3,587 करोड़ रुपए के अपेक्षित निवेश से 7 बड़े उद्योग स्थापित करने संबंधित MOU महाराष्ट्र सरकार द्वारा अमल में लाई गई है। इन उद्योगों के शुरू होने पर विदर्भ में तकरीबन 5,000 नौकरियां उपलब्ध होगी। इस आशय के विचार पालक मंत्री एवं राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राउत ने व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अगले 7 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का निश्चित करार हुआ है।
डॉक्टर राउत यहां विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की संयुक्त समन्वय समिति की ओर से आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी आर विमला, नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति मनोज सूर्यवंशी, वीआईए अध्यक्ष सुरेश राठी, बुटीपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल, एमआईए के अध्यक्ष सीजी शिगांवकर, केआईए के अध्यक्ष अमर मोहिते, वीआईए के उपाध्यक्ष आरबी गोयनका, महावितरण के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, मुख्य अभियंता दिलीप दौड़के, प्रादेशिक संचालक महाऊर्जा वैभव पाथोड़े आदि उपस्थित थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में सामंजस्य करार तो होते हैं किंतु वास्तव में उद्योग शुरू नहीं किए जाते। ऐसी अफवाह विपक्षी नेताओं द्वारा फैलाई जाती है, लेकिन इस वर्ष की परिषद में दोनों पक्षों की ओर से विदर्भ के लिए अत्यंत लाभदायक बातें हुई है। श्री श्याम धाम मंदिर के 24वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ प्रथम दिवस पर संगीत में संपूर्ण श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ के साथ किया गया। सुबह 9:30 बजे से शाम के 7 बजे तक श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा किए गए अखंड ज्योति पाठ में बड़ी संख्या में श्याम प्रेमियों ने भाग लिया। आयोजन की शुरुआत बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाकर अखंड ज्योत प्रज्वलित कर की गई। द्वितीय दिवस पर सोमवार को श्याम संगीत में भजन, रात 8 बजे से भजन गायक श्याम शुभम द्वारा मंगलवार 7 जून को स्थापना दिवस के दिन श्री श्याम निशान यात्रा सुबह 7 बजे निकाली जाएगी। दोपहर को बाबा के अमृत में महाप्रसाद होगी। सभी श्याम प्रेमियों से इस उत्सव का लाभ उठाने की अपील की गयी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्व पर्यावरण फाउंडेशन व आरोग्यम टीम पुष्करणा समाज के संयुक्त प्रयास से टीआरएस पब्लिक स्कूल हरिहर मंदिर के प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर 51 फलदार एवं औषधि युक्त वृक्षों का रोपण परिसर में किया गया। इस दौरान पुष्करणा समाज के वरिष्ठ समाज सेवी राधा वल्लभ पुरोहित, पुरुषोत्तम पुरोहित, स्वरूप व्यास, आनंद ज्योति स्वरूप पुरोहित, डॉक्टर प्रथमेश व्यास एवं विश्व पर्यावरण फाउंडेशन के अध्यक्ष गिरीश पुरोहित, ऋतु आनंद शर्मा, हेमंत शर्मा, कल्पना शर्मा, मधु शर्मा, प्रेम व्यास प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में नवल केवलिया, युवराज व्यास, डॉक्टर वल्लभ व्यास, शरद व्यास, डॉक्टर गायत्री व्यास, पूनम व्यास, ज्योति व्यास, खुशबू केवलिया, प्रीति व्यास, हेमा व्यास, हर्षिता व्यास आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर की नई प्रशासनिक इमारत के भूमि पूजन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आभासी रूप से उपस्थित थे। केंद्र के कार्य में अत्यंत रुचि होने के कारण उन्होंने केंद्र में चल रहे नए प्रशासनिक इमारत कार्य को प्रत्यक्ष भेंट दी। इस दौरान उन्होंने केंद्र में भूमि पूजन समारोह के 2 दिनों में ही कार्य शुरू होने से प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही सांस्कृतिक केंद्र की इमारत है, यह ध्यान में रखते हुए विहित मुद्दत में कार्य पूर्ण करने के आदेश संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदार को दिए। इस अवसर पर रामटेक के सांसद कृपाल तुमाने, जयप्रकाश गुप्ता, केंद्र के निदेशक डॉक्टर दीपक खिरवाड़कर एवं केंद्र के प्रशासनिक एमबी पटेल, कंत्राटदार एवं लेखाधिकारी दीपक पाटिल की विशेष उपस्थिति रही। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर को 1986 में राज्य सरकार द्वारा जमीन एवं इमारत हस्तांतरित की गई थी। तब से ये कार्यालय पुरानी इमारत में ही कार्यरत है। पुरानी इमारत की विविध समस्याओं को ध्यान में लेते हुए नई अत्याधुनिक इमारत की अत्यंत आवश्यकता थी, जो भूमि पूजन कार्य से पूर्ण होने जा रही है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर की नई प्रशासनिक इमारत सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रहेगी। मानव सुरक्षा सेवा संघ भारत द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में नागपुर के तत्वावधान में मानव सुरक्षा सेवा संघ की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला मेहता के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रभारी महाराष्ट्र सुरक्षा सेवा संघ के व्यवस्थापक विपिन तिवारी के नियोजन के तहत लक्ष्मी नगर परिसर में मनपा के प्रांगण में संदीप जोशी के सहयोग से करीब 10 वृक्ष लगाए गए हैं। कमला मेहता ने पर्यावरण के महत्व को समझते हुए मानव सुरक्षा हेतु इसकी रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने ने उद्धार में कहा कि आइए धरा को धनी कर दे, चारों ओर हरियाली भर दे, प्राणवायु का संचरण कर ले, बिजली पानी की समस्या हल कर दे और ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाए। उन्होंने आगे कहा कि आइए हम सब मिलकर संकल्प ले कि हर व्यक्ति कम से कम 2 वृक्ष लगाकर प्रकृति का ऋण अदा करे। इस अवसर पर महाराष्ट्र पदाधिकारी अंगद सिंह सोलंकी, एडवोकेट गौतम, राम प्रसाद राम बोले, नंदकिशोर व्यास, नागपुर जिला महिला अध्यक्ष रजनी शर्मा, प्रीति डांगोरे, नागपुर महानगर अध्यक्ष किशोर राठौड़, अर्जुन मुहाड़ीकर, जगदीश वाठ, मुकुंद केदार, विजय गडकरी, सुलभा गडकरी व धनंजय कोंडावार टिड़के आदि उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।